What's up guys, welcome to my YouTube channel Motorhead Parth and this is Parth. So I am in Shimla right now और मैं भी निकलूंगा शिमला से for Greater Noida. तो मेरे यहाँ पर रूम पे सारे सामान बिखरे हुए थे तो मैंने अभी समेटा और dandruff काफ़ी ज़्यादा हो गए जैसे कि आपको दिख रहा है विंटर्स की वजह से यहाँ से. तो यहाँ पे नहाना बहुत इम्पॉसिबल है, शैम्पू तो दूर की बात है. तो मेरे जो गैजेट्स हैं यहाँ पर, ये फ़ोन वगैरह यहाँ चार्ज हो रहा है, जो मेरा एक मेन फ़ोन है वो चार्ज हो रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत तो वेट कर ले रहा हूँ. और जिसमें मैप देखता हूँ वो भी चार्ज हो रहा है क्योंकि वो तो उसका बैटरी ड्रेन होते रहता बहुत जल्दी, तो थोड़ा बहुत उसको बैकअप दे के मैं फ़ोन पे वो गाड़ी पे वो मैं चार्ज पे लगा दूंगा. सो द रूम आई एम स्टेइंग इज इन चंडल होम स्टे. कल मैंने रूम चेंज कर लिया था, जैसे कि आप सभी को पता है कि सौम्यदीप चला गया आगे, तो अभी मैं नीचे जाऊँगा, चेन ल्यूब करूँगा, सामान बांधूँगा, फिर मैं यहाँ से निकलूँगा. तो हाँ, रूम से जो व्यू दिखता है वो कुछ ऐसे दिखता है, इट्स टू ब्यूटीफुल. सो इस साइड का जो फेस है अगर मैं नहीं लेता और उस साइड का अगर मैं फेस लेता तो वहाँ से पूरा स्नो क्लैड माउंटेंस आपको दिखते. तो अनफॉर्चुनेटली मुझे वो नहीं मिला, यही अवेलेबल था तो मैंने ले लिया. फिलहाल ये जो व्यू है ये भी बहुत ही शानदार है, आप लोग देखो बस कितना सुंदर है ये व्यू. ऐसा है कुछ यहाँ से व्यू, पूरा पीक्स दिखता है यहाँ अभी. तो हाँ, अभी तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है. सो द टाइम नाउ इज़ 10:13. तो हाँ चलते हैं. अभी सुबह सुबह उठ कर तो मैंने डबल शॉट मार लिया ब्लैक कॉफ़ी का, जो कि मेरा डेली का कोटा है विच गिव्स मी एनर्जी. तो हाँ चलो, और लेट नहीं करते हैं क्योंकि रात को पहुँचना बहुत ही दिक्कत की बात है. और डेली NCR ये जो एरिया, यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ नाइट कर्फ्यू. सो इफ़ आई डोंट रीच बाई 11 o'clock एट नाइट और 10 o'clock एट नाइट तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. और ये भैया इस होम स्टे के ओनर, हेलो, इज़ अ वेरी गुड मैन. कोई भी अगर आना चाहता है प्लीज़ आइए, आई पर्सनली रिकमेंड. ये बहुत अच्छा जगह, बहुत ही अच्छा जगह. और भैया का जो बिहेवियर है माइंड ब्लोइंग. या कुछ कहना चाहते हैं अगर कोई देख के वीडियो आना चाहे आपके पास? नहीं, बस यही बोलना चाहूँगा, ऑल आर वेलकम. भैया का जो भी डिटेल्स रहेगा, फ़ोन नंबर वगैरह, मैं सब डाल दूंगा यहाँ पे. तो कोई भी अगर आना चाहे बेझिझक आए यहाँ पर और मज़े कीजिए बस. तो ये जो माउंटेंस आपको दिख रहे, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, बहुत दूर है, बट ये जो माउंटेंस है ये स्पीति वैली के माउंटेंस है. इधर भी कुछ कुछ दिख रहा है बट वो बहुत ही ज़्यादा दूर है. सो दिस इज़ द मेन अट्रैक्शन, द मेन व्यू जो यहाँ से दिख रहा है. तो चलो और लेट नहीं करते और निकलते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है. चलो, सो द टाइम नाउ इज 11:18 एंड आई एम लिविंग दिस प्लेस, लिविंग शिमला, और जा रहा हूँ मैं टूवर्ड्स नोएडा, ग्रेटर नोएडा टू प्रिसाइज. पता नहीं यहाँ पे तो दिखा रहा 8:13 एंड इट्स 387 किलोमीटर्स. चलो देखते हैं कितने देर में हो पाता है. मेन तो टाइम लग जाएगा हमें पहाड़ से उतरने में ही, तो ये जितना जल्दी हम लोग कर पाएँ उतना बेटर रहेगा. तो 387 किलोमीटर्स है और मैं पहुंचूंगा वहाँ 7:32, इतना तो मैप बता रहा है. चलो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं. जय श्री राम. और ये जगह छोड़ कर जाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा, बट क्या करना, जाना तो पड़ेगा ही, घर तो जाना ही है. So I had a chat with my mom today in the morning. She is also worried about this thing that I am coming alone. My dad doesn't know about this thing. Agar unhe pata chala to he'll be very much tensed. And now when my dad is watching the video, he knows it very well that I am going to get a big scolding. Sorry dad. Aur mummy se meri baat hui, mummy knows this thing. So mummy is also worried. Aur papa ka to main worry hai abhi omicron ka case leke. पापा बोला जल्दी आ जा घर, लॉकडाउन वगैरह अगर कुछ हो जाता तो घर आ नहीं पाएगा, एंड दैट्स अ फैक्ट. बहुत ही सही बोला उन्होंने. तो मैंने भी सोचा यार नहीं, पहाड़ तो है ही, मैं कभी भी आ सकता हूँ, जब इतना दूर अकेले जा सकता हूँ तो आ भी सकता हूँ मैं. ठीक है, ऐसे नहीं मैं गया नहीं वो सब जगह, बट आई वॉन्टेड टू मेक अ वीडियोज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था वो फीलिंग सारे जगह. तो खैर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा ही ज़रूर.
तो हर बार जब भी मैं घर लौटता हूँ, मतलब दिस इज़ द रिटर्निंग वाला पार्ट, तो पहाड़ से जब भी नीचे उतरता हूँ मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कुछ बोलने का, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। एंड आई लव दिस माउंटेन सो मच कि मुझे घर जाने का मन ही नहीं करता, स्टिल कुछ कर नहीं सकते। तो हाँ, अभी चलते हैं घर, और यहाँ पर आपको बहुत सारे वाइन शॉप्स दिख जाएंगे जो कि लोकल ब्रिवरी में बनते हैं, फ्रूट वाइन ऐसा कुछ तो देख रहा था मैं तब से, और ब्रिवरी में बनते हैं, मैंने एक से पूछा, उन्होंने बताया। आई थिंक दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ हिमाचल। द टाइम नाउ इज 3:44 एंड अम्बाला इज स्ट्रेट, और यहाँ से हमारा रह गया 250 किलोमीटर्स टू द होटल सन हेवन। सो यहाँ पर टाइम तो दिखा रहा है 8:45 में मैं पहुँचूंगा वहाँ पे, एंड इट्स गोइंग टू टेक 5 hours 1 minute। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा ही स्पीड है, बहुत आराम आराम से जा रहा हूँ, ज़्यादा व्लॉग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रास्ता आपने देखा ही था जब मैं गया था उधर टूवर्ड्स शिमला। तो जितना भी हो पा रहा है इंटरेस्टिंग सा कुछ अगर हो भी रहा है तो मैं दिखा दे रहा हूँ। फिलहाल अभी तक तो कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस वही पहाड़ तक ही था इंटरेस्टिंग, बाकी अभी तो पूरा प्लेन्स में हम लोग। बिकॉज आई एम अबाउट टू एंटर अम्बाला, 10-12 किलोमीटर तो वहीं से था, तो अभी तो लगभग वही 7-8 किलोमीटर होगा, तो ज़्यादा दूर तो है नहीं अम्बाला। सो आई डोंट इवन नो व्हेन आई क्रॉस चंडीगढ़, समझ ही नहीं आया भाई चंडीगढ़ कब मैं क्रॉस कर गया। एंड आई थिंक आई वॉज इन द मोहाली वाला रूट। वाह भैया, फोन में बात करते करते यार गाड़ी चला रहे। टाइम नाउ इज 5:53 और मैं तो कहीं हूँ एक करनाल के अंदर अंदर कोई गांव वगैरह में। गूगल मैप्स ने शो किया मुझे अ फास्टर रूट, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया वो, एंड आई हैव टेकन दैट रूट, और मैं अभी बिल्कुल अंदर अंदर कोई तो गांव से जा रहा हूँ। पता नहीं दिस इज़ 15 मिनट्स और 20 मिनट्स फास्टर, तो समझ नहीं आ रहा मुझे कौन से रास्ते से मुझे निकालेगी गूगल। बीच बीच में तो बहुत गंदा घुमाते हैं यार, बट ये ट्रक्स को देख के तो समझ में आ रहा है कि रोड पूरा नहीं है, तो मैं तो बस अभी भगवान का नाम लेते हुए जा रहा हूँ। बिकॉज दिस इज़ नॉर्थ इंडिया और हरियाणा है ये, इसके अंदर अंदर मैं जा रहा हूँ इंटीरियर, वो भी अकेले, इट्स भगवान का नाम लेते हुए तो मैं जा रहा हूँ। बस कोई एक मेन रोड मिल जाए यार, हाईवे वगैरह कुछ। सो द टाइम नाउ इज 9:11 एंड माई होटल इज़ ओनली 29 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। I am on the Meerut Expressway, 43 minutes to take for me to reach there. अभी बज रहे रात के 10:30 और मैं जस्ट अभी एंटर किया होटल पे। रास्ते में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हादसा हुआ मेरे साथ, मैं बता नहीं सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो क्लैंप रहता है वो लेग गार्ड वाला, ये जो पार्ट रहता है ये जोड़ कर रखता है शैसी से लेग गार्ड को। सो दिस थिंग आपको दिख रहा होगा ये, हाँ तो ये टूट गया। तो फिर मैंने एक रास्ता लिया था जो कि शॉर्टर था, आप मेरा हालत देख ही सकते हैं। एक शॉर्टर रास्ता मैंने लिया था जो लेके गया मुझे हरियाणा के कोई एकदम अंदर से गांव से लेकर के। तो वहाँ मैंने कुछ थे बुज़ुर्ग बैठे हुए, उनसे मैंने मांगा रस्सी, फिर मैंने जब रस्सी बांधा उसके बाद क्या हुआ, माई इंजन वॉज टू हॉट, साइलेंसर बहुत गर्म था, मेरा उंगली जल गया। तो फिर आते आते वो रास्ते से मैं आता था भाई तंग हो गया मैं तो, और आज तो हो नहीं रहा है कुछ, कुछ नहीं हो पाया, कल मैं शायद पूरे दिन सोते रहूं। एंड टुमारो इज़ न्यू ईयर 1st of January, तो ये वीडियो तो बहुत बाद आएगा, फिर भी जब भी आएगा हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो चलो, और मुझसे नहीं हो पा रहा है, टिल देन स्टे कूल स्टे ऑल, राइट राइट, कीप फ्रेंड्स हैप्पी, दिस मोटर हेड पास साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।